नमस्कार, यह फेलिसिटी टीवी। आज के मुख्य समाचार हैं, कश्मीर में सेना बीएसएफ और पुलिस की आतंकवादियों से मुठभेड़, आजम खान के 5 साल और 500 साल, अमर सिंह का 3C फॉर्मूला और भ्रष्टाचार, अफगानिस्तान, इन सभी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को, जिनकी परीक्षा फरवरी के लास्ट हफ्ते में शुरू होने जा रही है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम कहेंगे कि उन बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। जो देश की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, आज कश्मीर में सेना पुलिस व बीएसएफ की मिलीजुली टीम ने कुछ आतंकवादियों को घेर रखा है। ये आतंकवादी जिन पंचाल इलाके की एक मस्जिद में छिपे हुए हैं, सेना ने इसको घेर रखा है, लगातार गोलीबारी चालू है। वे बाहर से लोकल आदमी लगातार सेना पर पथराव कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि ये भारत का कमजोर नेतृत्व है, जो सेना और पुलिस पर आतंकवादियों के सपोर्ट में पथराव हो रहा है। अदरवाइज सेना चाहे तो उनको आधे घंटे में दूर भगा सकती है। आदमी वैसे ही गोली से भागता है, लेकिन क्योंकि इनको पता है कि सेना हमारा कुछ नम पर गोली नहीं चला सकती, इसलिए वो सेना पर पथराव कर रहे हैं। दूसरे, हम बार बार कहते हैं कि ये आतंकवादी जिनका कोई धर्म नहीं होता, उनको जलाया क्यों नहीं जाता? यदि आतंकवादियों को जलाया जाए तो आधी समस्या वैसे ही हल हो जाएगी। 3C फॉर्मूला, अमर सिंह जी जो पहले सपा में थे, उन्होंने बसपा सपा के गठबंधन को एक नई थ्योरी दी है कि ये गठबंधन किस तरह प्रकार का है। उन्होंने वैसे तो वैज्ञानिक फॉर्मूले निकालते हैं, अमर सिंह जी ने भी एक पॉलिटिकल फॉर्मूला निकाला है, जिसको नाम दिया गया है 3C फॉर्मूला। 1C इज फॉर कैश, कास्ट एंड क्राइम। ये कहते हैं कि कुछ क्रिमिनल्स इनके साथ मिले हुए हैं सपा के साथ में। पहले मायावती जी बोलती थी कि सपा के गुंडे प्रदेश में शांति नहीं रहने देते, कैश के आधार पर भी कुछ जीतने की कोशिश करेंगे, वे कास्ट के आधार पर भी। लेकिन शायद लोग भूल गए हैं कि आजकल लोग कास्ट या उसके आधार पर वोट नहीं देते, वो जो उनको अच्छा नेता लगेगा उसको पसंद करेंगे। यदि एसपी बीएसपी अच्छी लगेगी तो उसको भी वोट देंगे। आजम खान जी ने अभी एक बयान दिया था कि मुसलमानों के पिछले 5 साल ऐसे बीते जैसे 500 साल, और आजम खान जी के पूर्वजों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, पता नहीं वो क्यों नहीं गए। ये कहते हैं कि आजम खान भी मंत्री भी रह चुके, अपने घर के बहुत जिम्मेदार आदमी है, यदि उन्हें पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान चले जाएं, इसमें कहने वाली कोई नई बात थोड़ी है, कहने वाली कोई बात है ही नहीं। या फिर वे इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि यदि उन्हें पाकिस्तान जाना होता तो चले जाते। एक बात हम करेंगे पॉलिटिकल गठजोड़ पर। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में 23 दलों की मीटिंग हुई और सब ने बीजेपी मोदी के खिलाफ कुछ कुछ बोला। अच्छी बात है, मोदी में भी गलतियां हैं, मोदी ऐसा नहीं है कि मोदी में कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन ये जो 23 दल हैं और इनके विचार मिलते हैं, तो ये एक दल क्यों नहीं बना लेते, उसका एक नाम रखा जाए? डरते क्यों हैं कि भाई ये एसपी बीएसपी या ममता जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और दूसरी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टी, 23 पार्टी मिली। यदि 23 के विचार मिलते हैं तो उनको एक पार्टी बना लेनी चाहिए।
अदरवाइज वे जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका राज नहीं चलेगा, लेकिन जनता को बहकाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान 1990 से लगातार युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। पाकिस्तान उस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन वहाँ लोग उस पर कब्जा नहीं होने देते। इसमें पहले रूस हार मानकर चला गया था, अब अमेरिका भी लगभग हारने के कगार पर है, क्योंकि वो वहाँ से जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, वे भारत को अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन उन मुसलमानों की कोई नहीं सुनता। हमें उनको फॉलो करना चाहिए या किसी अन्य देश को, अफगानिस्तान को या रियाद को या दुबई को, इनको किसी को फॉलो करना चाहते हैं? वे लोग कितनी शांति से, कितने अच्छी तरह से रहते हैं। सोशल मीडिया में एक बात चल रही है काफ़ी दिनों से कि ममता बनर्जी जी ओरिजिनल या कन्वर्टेड पता नहीं कैसे मुस्लिम हैं। इतना हमने विकिपीडिया से मालूम किया कि इन्होंने एमए में मुस्लिम थ्योरी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, वह उसको इनको ये बहुत ही अच्छा लगता है। भारत दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, ये एक रिकॉर्ड है जो मोदी जी के 4-5 साल में बना है, कि अर्थव्यवस्था ने तेजी से, बहुत ही तेजी से तरक्की की है। लेकिन दूसरा रिकॉर्ड ये भी है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, और पिछले 4-5 साल में कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार का केस शायद नहीं खुला जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, या आम जनता भ्रष्टाचार की वजह से परेशान है। इनके बारे में भी किसी को कुछ करना चाहिए।